नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 8वीं इतिहास और नागरिक शास्त्र के पाठ 13 स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यह है पाठ 13 स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला प्रश्न में क्या लिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। तो कथन क्या है, भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 600 से अधिक खाली जगह, इसके ऑप्शन में दिया गया राज्य थे, देहात थे, रियासतें थी और शहर थे। इसके उत्तर में आएगा रियासतें थी, भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 600 से अधिक रियासतें थी। दूसरे कथन में क्या है, जूनागढ़ खाली जगह और काश्मीर रियासतों को छोड़कर अन्य रियासतें भारत में विलीन हुई। पहला है औंध, दूसरा झांसी, तीसरा वडोदरा, चौथा हैदराबाद। इसके उत्तर में आएगा हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद और काश्मीर रियासतों को छोड़कर अन्य रियासतें भारत में विलीन हुई। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। उसमें पहला प्रश्न दिया गया है जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। इसके उत्तर में चार पॉइंट दिया गया। पहला पॉइंट है सौराष्ट्र की जूनागढ़ रियासत की प्रजा भारत में सम्मिलित होना चाहती थी। दूसरा है जूनागढ़ का नवाब अपनी रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने के प्रयास में था। तीसरा है नवाब के इस निर्णय का प्रजा ने कड़ा विरोध किया जिसके कारण वह पाकिस्तान चला गया। चौथा है अंततः फरवरी 1948 ईस्वी में जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत सरकार ने निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही प्रारंभ की। इसके उत्तर में तीन पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है निजाम के समर्थन से स्थापित रजाकार संगठन ने हिंदुओं और मुस्लिमों पर अत्याचार किए। दूसरा है रियासत में प्रजा के असंतुष्ट होने के कारण भारत सरकार ने निजाम के साथ समझदारी और संयम से बातचीत करने का प्रयास किया। तीसरा है निजाम ने भारत सरकार की बात नहीं मानी, वह अपनी रियासत को पाकिस्तान में विलीन करना चाहता था, इसलिए अंत में भारत सरकार ने निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत में विलीन होने की विलय पत्र पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। इसके उत्तर में आएगा पहला कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। दूसरा पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था। तीसरा इसके लिए पाकिस्तान हरि सिंह पर दबाव डालने लगा। चौथा अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान के उकसाने पर सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, इसलिए भारत में विलीन होने के विलय पत्र पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। पहला है रियासतों की विलय प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा रियासतों की विलय प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित योगदान दिए। उसमें से पहला है रियासतदारों को विश्वास में लेकर ऐसा विलय पत्र तैयार किया जो सबको मान्य हो। दूसरा है रियासतदारों को समझाया कि उनका भारत में सम्मिलित होना किस प्रकार उनके हित में है। तीसरा है इस आवाहन को अनेक रियासतदारों ने स्वीकार करके अपनी रियासतों का भारत में विलय किया। और चौथा है जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों के विलय की समस्या को हल करने के लिए दृढ़ भूमिका अपनाई। सो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, हैदराबाद मुक्ति संग्राम में स्वामी रामानंद तीर्थ के योगदान को स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद के निजाम ने जनता को नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। इस रियासत के मुक्ति संग्राम में स्वामी रामानंद तीर्थ ने निम्नलिखित योगदान दिए। उसमें से पहला है रियासत को भारत में विलीन करने के लिए 1938 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। दूसरा निजाम ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया तो इस संगठन को मान्यता दिलाने और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए निजाम के विरुद्ध शुरू हुए संघर्ष का नेतृत्व किया। तीसरा है उन्हें और उनके अनुयायियों को कारावास में डाल दिया गया तो भी संघर्ष चालू था। और चौथा है
स्वामी रामानंद तीर्थ की अगुवाई में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने जुलाई 1947 ईस्वी में हैदराबाद रियासत को भारत में विलीन करने का प्रस्ताव पारित किया। सो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, ताकि हम इसमें और भी ज्यादा सुधार ला सके। और इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।